बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने दुपट्टे पे लेस लगाना आप लोगों को बताई है, तो मैं आप लोगों को ये वाजे करती चलूँ कि ये मैंने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है। इस तरह हम अगर जीपीओ लेस लगाएंगे तो वो गुम सिलाई में कहलाएगी। और गुम सिलाई इस तरह थी कि आपने देखा होगा कि मैंने सिलाई इस लेस के ऊपर लगाई है, हमारी सिलाई इस फ्रंट के ऊपर नहीं आई है, और बाद में जो हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसी को हमने नीट कर दिया। और ये कितना सफाई के साथ हमारा दुपट्टा बना है, ना ही इसमें कोई झोल आया है और ना ही इसमें कोई सरवट आई है। तो आप लोगों ने भी लेस सेम उसी मेथड के साथ लगानी है जिस तरह मैंने लगाई है। और आप देख लें, इसके कोने मैंने हाथों हाथ नीट करती गई हूँ, इसके कोने भी नीट किए हैं, और इसके ये यानी कि जो चार कोने हैं उन पर हमने लेस को कट नहीं करा, साथ साथ हम इसकी लेस को टर्न करते गए हैं। हमने इसकी लेस सिर्फ एक कोने पर कट करी है और वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ, इसका ज्वाइंट हमने मिला दिया है। आपने लेस लगाते वक्त लेस को खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से लेस को लगाना है, तो आपका दुपट्टा भी सेम इसी सफाई के साथ बनेगा जिस तरह ये बना हुआ है आपके सामने है। कहीं पर भी झोल नहीं है। आप अगर चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पट्टी नहीं है, तो आप एक पट्टी ले लें, कॉटन पट्टी या शामूस पट्टी, उस पट्टी को इसके ऊपर लगाकर भी आप इसको नीट कर सकते हैं, मगर हमारे दुपट्टे में ये एक्स्ट्रा कपड़ा था इसीलिए हमने इसी के साथ इसको नीट कर दिया। उम्मीद करूंगी आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आएगी, और अगर आप लोगों ने खुद ट्राई करना है तो करें, बहुत ही ईजीली ये दुपट्टा आपका बन जाएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।